इट्स इन दिस वीडियो ऑफ आई for class फॉर क्लास सिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस सेट बी ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री जस्ट मैंने आपकी ही तरह सॉल्व किया है मे भी कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन ठीक है तो पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको अगर लगे कुछ भी तो प्लीज राइट डाउन इज लॉजिकल रीजनिंग एंड फर्स्ट क्वेश्चन मे बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स अंकित अडी सेट ठीक है सपोज दिस इज अडी उसने क्या किया अंकित को पॉइंट किया ठीक हिज मदर इज मीन्स की अंकित की मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर ठीक है अब इसने क्या बोला अंकित की जो मदर है मेरी माँ की ओनली डॉटर है ठीक है एंड दिस इज ऑल्सो अ लेडी तो ऑब्वियसली यही वो लेडी है जिसके बारे में वो कह रही है मीन्स की उसकी मदर अंकित की मदर हाउ इज़ दैट लेडी रिलेटेड टू अंकित शी इज मदर तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ठीक है बिकॉज शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाइज द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज द गि फिगर तो नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमारा ट्राइंगल जो है सर्कल में भी है एंड स्क्वायर में भी है ठीक है तो डॉट्स देख लेते हैं ऐसे ही होने चाहिए तो नाउ दिस केस स्क्वायर इज कॉमन इन दिस केस ट्राइंगल इज कॉमन बट यहाँ पूरा ही ट्रैंगल आ गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा जो मेरे हिसाब से ऑप्शन है दैट इज दिसम यहाँ ट्राएंगल सर्कल में भी है स्क्वायर में भी है तो मे बी डी इज द राइट ऑप्शन नॉट कन्फर्म बट मुझे जो लग रहा है दैट इज डी ऑफ द द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप जज पुलिस एंड तीनों ही डिफरेंट हैं जज पुलिस नहीं हो सकता पुलिस चोर नहीं, नहीं हो सकता जज चोर नहीं हो सकता मीन्स कि ये तीनों ही डिफरेंट है मीन्स कि वेट डायग्राम शुड बी लाइक दिस तो ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट फॉर दिस यहाँ पर क्या है सिलेक्ट द टर्म फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंटिन्यू द गि सीरीज ठीक है तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व यहाँ फर्स्ट जो है दैट इज अल्फाबेट तो पहले हम अल्फाबेट का रिलेशन देखते हैं बी है बी के बाद क्या मिसिंग है सी मिसिंग है फिर क्या है डी है डी के बाद ई e मिसिंग है एफ है ठीक है एफ के बाद जी मिसिंग है एच है ठीक है मीन्स की वन के बाद वाला एच के बाद आई मिसिंग होगा और क्या होगा जे मीन्स आई दर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन ठीक है ये तो हमने अल्फाबेट्स का देखा नाउ वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स यहाँ फोर से कहाँ गया सेवन पर मीन्स थ्री सेवन से हम कहाँ गए इलेवन पे मीन्स फोर इलेवन से सिक्सटीन मीन्स फाइव तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाले में सिक्स होगा तो सिक्सटीन प्लस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी टू मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस देर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर वन एंड फिगर टू स्टेबलिश द सिमलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर थ्री एंड फोर बाई सेलेक्टिंग अटेबल फिगर फ्रॉम द ऑप्शन तो नाउ अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे जो ये लाइन था ये रोटेट हो गया मीन्स की अपर डायरेक्शन में गया एंड जो ये सर्कल्स थे ये भी रोटेट हुए और इनके जो शेडेड पोर्शन थे वो सेंटर में आए तो इसका शेडेड पोर्शन सेंटर में आएगा ये ऊपर की तरफ रोटेट करेगा मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट आई थिंक फॉर दिस ऑप्शन सी सी इज करेक्ट फॉर दिस ये उतना क्लियर तो नहीं है बट स्टिल मेरे को जो दिख रहा है ओवर राइट हुआ है तब भी फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्मड इन द गिवन फिगर तो नाउ दिस इज नॉट ट्राइंगल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन तो ये हो गए ठीक है देन आपका दिस वन इज टेन ठीक है दिस वन इज इलेवन दिस वन इज ट्वेल्व ये ट्वेल्व हो गया एंड दिस वन इज थर्टीन मीन्स की मोर देन ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस फोल्डेड पेपर है फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच शोज द फोल्डेड फॉर्म पहले कैसे किया इन्होंने पहले उसको लेफ्ट किया फिर उससे नीचे की तरफ किया मीन्स कि जब ये ओपन होगा तो देखो एक कट तो यहाँ होगा ठीक है और फिर सेम कट जो यहां मैंने बनाया इसी तरह का अपोजिट होगा तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए ठीक है हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ इज इमीडिएटली प्रसिडेड एंड इमिडियटली फॉलोड बाई एन इवन नंबर जस्ट उसके पीछे इवन हो और उसके आगे इवन नंबर हो बट प्लीज रिमेंबर दिस इज सिंबल नॉट अल्फाबेट तो सिंबल्स हमारे कहाँ हैश है एट द रेट है क्वेश्चन मार्क है डॉट है एंड ये तो सी है ठीक है तो नाउ यहाँ पे देखो दोनों साइड नंबर होने चाहिए पहले तो तो ये तो नहीं है ये भी नहीं है यहाँ पर देखें आप यहाँ पर हमारा इवन है और यहाँ पर भी इवन है मींस कि दो कॉम्बिनेशन एक टू क्वेश्चन मार्क सिक्स जो मुझे लग रहा है एन एक्स सिक्स डॉट एट इट कैन बी रॉन्ग आप अगर रॉन्ग हो तो आप प्लीज सजेस्ट अगर आपको लगता है कि डाउट है तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन क्योंकि नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर बट मुझे जो लग रहा है कि ये दो पेयर्स हैं मीन्स कि सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस ग्रुप द गिवन फीचर्स इन टू थ्री क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ दियर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस ठीक है हमें ग्रुप बनाना है ठीक तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर भी फोर पार्ट्स हैं यहाँ पे भी फोर पार्ट्स हैं यहाँ पे भी मीन्स कि पहला ग्रुप होगा वन फाइव एंड सेवन का ठीक है नाउ यहाँ देखें हम आगे अब बाहर की साइड जो पॉलीगन है उसमें फाइव फाइव लाइन्स हैं एंड अंदर जो है सिक्स है मीन्स की पहले पेंटागन था अंदर उसके हेक्सागन है ठीक है तो नाउ एक तो ये हो गया टू सेम वे यहाँ पे देखें फोर साइड्स थी फाइव साइड है मींस फोर सेम पैटर्न होना चाहिए तो ये है बाहर ट्रायंगल था नीचे अंदर क्या है रेक्टेंगल मींस की फोर साइड तो टू फोर एंड सिक्स अगर ये तीन तीन के पैटर्न बन गए तो लास्ट क्या बचता है थ्री एट एंड नाइन ठीक है ऑप्शन देख लेते हैं अब एक बार देखो वन फाइव सेवन के दो ऑप्शन दिख रहे हैं दिस वन एंड दिस वन उसके बाद टू फोर सिक्स का एक ही ऑप्शन दिख रहा है मीन्स कि ऑप्शन सी मे बी करेक्ट फॉर दिस सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ऑप्शन सो दैट द लेटर्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड तो यहाँ पे जो वर्ड बन रहा है मुझे जो लग रहा है दैट इज जंगल जी यू एन जी एल ई ठीक है तो जे के लिए क्या हो जाएगा टू यू के लिए क्या हो जाएगा फोर एन के लिए क्या हो जाएगा थ्री जी के लिए क्या हो जाएगा फाइव एल के लिए वन और ई के लिए सिक्स तो ऑप्शन देख लेते हैं टू फोर थ्री फाइव वन सिक्स मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर इलेवन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑफ क्रेडिट इज इनकोडेड एज सी डी ई आई आर टी देन हाउ विल सेफेस्ट बी कोडेड इन द सेम ऑर्डर जो मुझे लॉजिक लगा तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व क्रेडिट में जो नंबर लेटर्स है इनको इन्होंने अरेंज किया अल्फाबेटिकली मीन्स कि सबसे पहले क्या आता है सी देन डी देन ई देन आई देन आर टी ठीक है सेम वे अगर हम सेफेस्ट हो करें तो सबसे पहले क्या होगा ए देन ई देन एफ देन टू टाइम्स एस एंड लास्ट में टी मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको कुछ और लगता है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन नाउ फाइंड द करेक्ट मेरर इमेज ऑफ द गि फिगर मेरर इमेज है मीन्स की ट्राइंगल जैसे है ट्रैंगल जैसे है वैसे ही रहेगा लाइक दिस यहाँ पे अब इनके जो स्लैंडिंग लाइन है इनके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंड यहाँ बुक लिखा है आई थिंक बुक तो ये अपोजिट हो जाएगा मीन्स की यहाँ हमें क्या दिखेगा के जीरो जीरो और दिस वन ठीक है तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस दिस क्वेश्चन इज नॉट विजिबल तो आप कमेंट बॉक्स पे एक बार मुझे ये सीक्वेंस लिख लिख दें और लिख दें एंड सिंबल्स तो आई विल सॉल्व दिस अदरवाइज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन काउंट द नंबर ऑफ द क्यूब्स इन द गिवन फिगर ठीक है तो सबसे पहले देखो आप यहाँ वन टू थ्री फोर है ठीक है फोर कॉलम्स वन टू थ्री मीन्स फोर इंटू थ्री इसमें है मीन्स की टोटल कितनी हो गई ये ट्वेल्व ठीक है ना इन दिस केस वन टू थ्री और फोर यहाँ पे भी होगी एंड रोज कितनी है टू मीन्स की ये कितनी हो गई फोर इन टू टू इज इक्वल टू एट ठीक है वन ये है वन ये है मीन्स की ट्वेल्व प्लस वन प्लस एट प्लस वन ठीक है नाओ यहाँ पे देखें वन टू थ्री और फोर होगी ही ऑब्वियसली इसके नीचे जो होगी और एक रो है मीन्स की फोर प्लस एक वन यहाँ पर है one. तो तो ऐड करें हम हो तो हो गए ठीक है क्या ट्वेंटी सेवन ऑप्शन देख लेते हैं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स नाउ यू कैन ऑब्जर्व यहाँ जो डायरेक्शन है अपोजिट है तो यहाँ भी अपोजिट है एंड इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है इन दोनों से ठीक है सेम वे ये दोनों अपोजिट हैं और इनसे डिफरेंट होगी इसकी डायरेक्शन मींस कि यहाँ पर देखें जब आउटसाइड में थे दोनों तो इसकी डायरेक्शन राइट की तरफ थी यहाँ दोनों इन साइड हैं तो मोस्ट प्रॉब्लली जो मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी ठीक ना अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ वन यहाँ वन तो यहाँ भी वन यहाँ टू यहाँ टू यहाँ टू सब में एरो के काउंट सेम है तो यहाँ थ्री यहाँ थ्री तो यहाँ भी एरो के काउंट थ्री होंगे मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस मैथमेटिकल रीजनिंग फर्स्ट क्वेश्चन इज गि नंबर गिवेन नंबर लाइन रिप्रेजेंट द एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ़ द डिफरेंट प्लेस इन जनवरी फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सियाचिन एंड चेन्नई तो चेन्नई यहाँ पे चेन्नई का टेम्परेचर क्या है थर्टी एंड पॉजिटिव वाले पर है मीन्स की प्लस थर्टी सियाचिन सियाचिन का टेम्परेचर क्या है माइनस थर्टी फाइव दिस इज मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज पॉजिटिव है दिस इज मिनिमम वैल्यू ठीक नाव टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे रहते हैं मैक्स माइनस

नाउ काउंट द बॉबल्स बॉबल्स कितने हैं ए है देन ई है देन ए e है देन आई मीन्स फोर तो फोर बाई इलेवन ऑप्शन डी इज करेक्ट वट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ थ्री प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री क्या हो जाएगी दिस इज थ्री तो वन टू थ्री फोर डिजिट से मीन्स की प्लेस वैल्यू इज थर्टी थाउजेंड फेस वैल्यू इज थ्री दोनों को सब्ट्रैक्ट किया टेन से थ्री जाएगा सेवन नाइन 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 टू ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ सेवन थ्री फाइव जीरो तो अगर हम इसके फैक्टर्स लेते हैं तो सबसे पहले आएगा टू देन थ्री देन फाइव फाइव सेवन सेवन फाइव टू टाइम्स सेवन टू टाइम्स ठीक है तो बेसिकली अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो वन भी आ सकता है बट तो टू थ्री फाइव एंड सेवन फोर प्राइम नंबर इफ वी काउंट वन तो फाइव है तो मैं जाऊंगी ऑप्शन बी के साथ कि देयर इज फोर प्राइम नंबर टू थ्री फाइव सेवन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीगन पॉलीगन क्या होता है जो शेप आपकी लाइन्स से, से बना हो तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस इज नॉट प्रॉपरली मेड बाय लाइन्स यहाँ पर एक करव आ गया मीन्स की सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज द गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंट नाउ यू कैन सी यहां पर टू टू की स्किपिंग हो रही है टू 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 और कितनी बार हो रही है राइट ऑप्शन एक्स एंड वाई का रेशियो क्या है इक्वल टू फोर बाई फाइव मीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू फोर बाई फाइव देन हमें वॉट इज बेस्ट इक्वल इनका रिलेशन क्या होगा तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है क्वेश्चन में गिवन है एक्स बाई वाई

फाइव वाई ठीक है नाउ एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा फाइव यहाँ क्या आएगा सिक्सटीन वाई प्लस ट्वेंटी फाइव वाई ठीक है तो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे फोर्टी वन वाई बाई फाइव तो यू कैन सी यहीं पर आपको आंसर मिल जाता है कि ए इज द राइट ऑप्शन बट स्टिल हम चेक कर लेते हैं दूसरा जो हमारा टर्म है दैट इज फाइव एक्स माइनस टू वाई ठीक है तो नाउ अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा फाइव डॉट फोर वाई बाई फाइव माइनस टू वाई इसको हम यहाँ पे कट करके सॉल्व कर सकते हैं बट नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ फाइव है ठीक तो है तो ये क्या होगा ट्वेंटी सॉल्व करेंगे यहाँ क्या ट्वेंटी वाई यहां क्या आएगा माइनस टेन वाई इज इक्वल टू क्या होगा टेन वाई बाई फाइव ठीक है इसकी वैल्यू हमें मिल गई नाउ अब हमें फ्रैक्शन जानना है तो फोर्टी वन बताया था ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिसकी इज फाइव इल्डर ओल्डर मीन की बड़ा है इफ एज ऑफ इज एक्स इन इफ एज ऑफ विक्की इज एक्स इयर्स देन फाइंड द एज ऑफ हिस्सन इन ईयर तो उन्होंने क्या बोला की प्रेजेंट एज ऑफ

यहाँ जो गिवन है वो क्या है दैट्स वाई एम नॉट सॉल्विंग दिस अदरवाइज इसका अगर आपके पास डायग्राम प्रॉपर है तो आपने कुछ नहीं करना है आपने क्या करना है पहले आप फाइंड आउट करो एरिया ऑफ दिस साइड मीन्स कि सिक्स इंटू एट है ना तो यहाँ से तो आ जाएगा फोर्टी एट सेंटीमीटर ठीक है नाउ फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन एंड जस्ट सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड यू गैट द आंसर मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि वॉट इज दिस वैल्यू अगर आप यहाँ पे मुझे बताओगे कि क्या लिखा है या क्लियर इसका पिक्चर भेजोगे तो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ दिस सबसे पहले यहाँ पर क्या है चलो इन दोनों को पहले सप्ट्रैक्ट कर लेते हैं नंबर क्या है थर्टी फोर पॉइंट सेवन सेवन इधर क्या है टू थ्री पॉइंट जीरो थ्री ठीक माइनस करते हैं सेवन से थ्री गया फोर यहाँ सेवन फोर से थ्री गया वन यहाँ वन ठीक नाउ इसमें क्या ऐड करना है पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो को ऐड किया फोर प्लस जीरो क्या होगा फोर ठीक है फोर प्लस जीरो क्या होगा फोर नाउ यहीं से देखो आपको आंसर मिल गया सिंगल फोर इसमें है तो यही होगा सेवन प्लस नाइन क्या होगा सिक्सटीन के सिक्स पावर आई वन यहाँ क्या होगा ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फोर मीनस बी इज द राइट ऑप्शन

देन इन ईयर्स टू थाउजेंड सेवेंटीन एट ट्वेंटी तो सबसे पहले तो हम ईयर फाइंड आउट रन फाइंड आउट कर लेते हैं देन हम उनको प्लस कर लेंगे ठीक है ना अगर हम वन बाई वन करें टू थाउजेंड सेवनटीन का ये है मीन्स टू थाउजेंड सेवेंटीन में जो उसने स्कोर किया दैट वॉज टू जीरो 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 टू सेवन जीरो जीरो टू थाउजेंड एटीन की जो स्कोरिंग थी दैट इज़ टू फोर जीरो ज़ीरो ठीक नाव टू थाउजेंड नाइनटीन सेम एज़ टू थाउजेंड सेवेंटीन मीन्स की टू सेवन जीरो जीरो नाव टू जीरो टू जीरो यहाँ पे उसके स्कोर कम हुए हैं मीन्स की एटीन हंड्रेड है ठीक है नाउ लास्ट टू जीरो टू वन ये सेम है लाइक एटीन तो ये हो गया टू फोर जीरो जीरो नाव आप क्वेश्चन में क्या पूछा है एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन को एक साथ करना है दिस एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी वन ठीक है तो अगर हम एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन को साथ में करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी टू फोर जीरो जीरो टू सेवन जीरो जीरो ठीक लास्ट में 0, 0, 4 4, 8, 8 7, 15 की पावर को एक साथ करना है मींस की सेवनटीन एंड ट्वेंटी सेवनटीन की वैल्यू क्या है टू सेवन जीरो जीरो ट्वेंटी की वैल्यू क्या है 1, 8, 0, 0, तो नाव यहाँ क्या जीरो जीरो सेवन प्लस एट फिफ्टीन की फाइव पावर आई वन फोर्टी फाइव नाव वट इज द डिफरेंस फोर्टी फाइव को हम यहाँ से माइनस कर दें तो अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा जीरो से जीरो 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 से जीरो जीरो फाइव से फाइव गया जीरो सेवन से फोर गया थ्री थ्री जो थाउजेंड नाव हम अपने ऑप्शन मैच कर लेते हैं कि थ्री थाउजेंड है या नहीं तो नाउ यू कैन सी डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस ऑफ द फॉलोइंग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉप्स ऑफ एंगल्स विल बी फॉर्म बिटवीन द Hour end and the minute hand of the clock. Obtuse angle means more than ninety degree. Now more than ninety degree or more than right angle. So now you can observe this is the more than ninety degree. Okay, so A is the right option for this. Decimal form of seventy five whole four nine one divided by thousand. So don't सिम्पली दिस इसमें सिंपल आपने क्या करना है सेवेंटी फाइव को अंटरच रखना है जस्ट आपने क्या करना है फोर नाइन वन को अगर हम थाउजेंड से डिवाइड करें तो क्या आएगा पहले पॉइंट देन जीरो बढ़ाएंगे फिर क्या होगा फोर थाउजेंड ठीक है यहाँ क्या आएगा नाइन वन जीरो तो यहाँ पहले फोर आएगा देन नाइन आएगा देन वन आएगा सिंपल ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो वैसे सिंपल ये होता है कि यहाँ पे चेक करने होते हैं कितने जीरो अगर थ्री जीरो हैं तो पीछे से थ्री जीरो के बाद डॉट लग जाना है मींस कि सोल्यूशन क्या हो जाएगा सेवेंटी फाइव प्लस पॉइंट

थाउजेंड फोर हंड्रेड टू इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम तो मिलियन लिखा है मीन्स की सिक्स डिजिट होंगी बैक साइड ठीक है टू फिफ्टी थ्री तो होना ही होना है सब में क्लियरली है उसके बाद क्या लिखा है टू फिफ्टी थ्री मिलियन के बाद फाइव हंड्रेड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री मीन्स की आइदर दिस दिस और दिस उसके बाद क्या लिखा है फोर हंड्रेड टू फोर हंड्रेड टू मीन्स क्या होता है फोर जीरो टू मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस इफ़ पपाया प्लस टू पाइनएप्पल इज इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड वन पाइनएप्पल प्लस पपाया इज़ इक्वल टू टू फिफ्टी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पपाया पपाया एंड पाइनएप्पल रिस्पेक्टिवली दोनों की वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो आप यहाँ से हम क्या करते हैं पपाया की वैल्यू निकालते हैं अगर हम पपाया की वैल्यू निकालें तो दिस विल बी टू फोर्टी माइनस पाइनएप्पल ठीक है नौ यहाँ पर इसको पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगी टू फोर्टी माइनस पाइन ऐप्पल प्लस ऑलरेडी टू पाइनएप्पल थे ठीक है, नाउ ये माइनस के साथ ये ये के साथ है, तो है, है? तो 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 क्या 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 हो 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 जाएगा? जाएगा जाएगा? ठीक आ जाएगी? 160, तो इसकी वैल्यू तो हो गई पाइन एप्पल की वैल्यू तो क्या हो गई वन सिक्सटी ठीक है जब पाइन की वैल्यू वन सिक्सटी हो गई तो नाउ फुट दिस वैल्यू अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखना है यहां पर तो हमारा क्या हो जाएगा पपायान सिक्सटी टू एट्टी द आंसर ऑप्शन ए एंड इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ लाइंस इज पैलर लाइंस में जो एक साथ चलती है वाई एंड जेड वाई पैलर है जेड के साथ पी एंड क्यू पी पैलर है क्यू के साथ क्यू एंड आर क्यू पैरल है आर के साथ एंड पी पैलर है आर के साथ पी पैलर है आर के साथ मीन मेरे अकॉर्डिंगली फोर है आप भी आप सजेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फर्स्ट क्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज जीरो नैचुरो वन होता है एवरी होल नंबर हैज अ सक्सेसर दिस इज करेक्ट सारे होल नंबर के साथ सक्सेसर होता है ऑफ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू नो दिस इज नॉट ट्रू हो सकता है कि हम टेन का डिजिटर क्या हो नाइन हो ठीक है एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो पे क्या होगा जीरो ठीक है तो बी इज द राइट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपको चेंज लगता है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन फाइंड द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर अगेन थोड़ा सा विजिबल नहीं है प्रॉपरली बट आई विल ट्राई इसमें शेडेड का बताना है तो टो टोटल हमारे पार्ट्स कितने हैं पहले तो ट्राइंगल्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स एक रो में है एक कॉलम में है तो थ्री कॉलम्स है तो सिक्स इंटू थ्री इज इक्वल टू एटीन मीन्स की डिनोमिनेटर में तो एटीन आएगा नाउ शेडेड कितने हैं जो मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं नॉट एग्जैक्टली क्लियर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट अनशेडेड हैं तो एटीन माइनस एट इज इक्वल टू टेन शेडेड होंगे मीन्स कि यहाँ टेन टू की टेबल से डिवाइड करें तो फाइव बाई नाइन मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस द गिवन डाइ द गिवन डेटा शोज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाई अ प्लेयर इन ट्वेंटी फोर डिफरेंट फुटबॉल मैचेज ठीक है उसने ट्वेंटी फोर डिफरेंट फुटबॉल मैचेज में स्कोर किया स्टडी द डेटा केयरफुल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स द प्लेयर स्कोर्ड इटलीस टू गोल्स उसने कितनी बार इटलीस टू गोल्स लिए एक तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन 15, 16. Means D is the right option. हमें दो गिनने हैं या दो से बड़ा नंबर तो हो ना? ठीक है मेरे फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्पिता टेक्स फाइव रेक्टेंगल पार्क लेंथ ऑफ विच इज सेवन मीटर लेस देन टू टाइम्स ऑफ इट्स If breadth of rectangle park is 65 meter, then find the total distance table by

एल प्लस बी ठीक है और फाइव राउंड लेगा तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी फाइव इंटू पी ठीक है तो हम सीधे कर लेते हैं फाइव इंटू टू अंडर ब्राकेट एल इज वन ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्सटी फाइव ठीक है जब फाइव को हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगी वैल्यू

आप ऐसे भी कर सकते हो एंड ऑमलेट uh, तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अगर फाइव से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा फाइव डॉट फाइव जीरो एंड ऑमलेट की वन ऑमलेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी सिक्सटी सिक्सटी डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व तो नाउ अब हमें रेशियो किसका फाइंड आउट करना है यहाँ पे लिखते हैं रेशियो uh, में फाइंड आउट करना है दिस डिवाइडेड बाई 12 ठीक है तो नाउ ये ज़ीरो को तो आप कंसीडर ना भी करें तो चलेगा बिकॉज ये डेसिमल के बाद है तो बेसिकली हमें क्या निकालना है फाइव फाइव जीरो डिवाइडेड बाई ट्व इज इक्वल अगर हम डेसिमल पॉइंट को हटाते हैं तो फाइव फाइव जीरो डिजिट्स के बाद है वन टू तो यहाँ क्या होगा ट्वेल्व हंड्रेड जीरो से जीरो कैंसिल नाउ इट बिकम्स फिफ्टी फाइव बाई वन ट्वेंटी अब इसको हम फाइव से अगर डिवाइड करें तो यहाँ आएगा वन वन तो नाउ यू कैन सी देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन डी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा टू एंड फोर तो इलेवन कॉलन ट्वेंटी फोर इज द राइट ऑप्शन रोहित पार्टिसिपेटेड इन अ रेस ऑफ वन होल थ्री बाई फाइव किलोमीटर इफ़ ही रन्स वन होल वन बाई टू किलोमीटर देन हाउ मच डिस्टेंस ही स्टिल नीड टू कवर टू कंप्लीट द रेस जस्ट डिफरेंशिए टेक द डिफरेंस ऑफ दिस डिस्टेंस हमें क्या करना है जस्ट इनका डिफरेंस ले लेना है इसको हम कन्वर्ट करें तो फाइव इंटू वन इज फाइव प्लस थ्री एट बाई फाइव माइनस इसको कन्वर्ट करें तो टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री बाई टू ठीक है एल्सियम क्या आएगा टेन यहाँ क्या आएगा फाइव टू जै टेन होता है एंड टू एट सिक्सटीन माइनस टू फाइव जेड टेन होता है फाइव इंटू थ्री क्या हो जाएगा फिफ्टीन इज इक्वल टू वन बाई टेन मीन्स की ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग स्क्वायर फील्ड एट रुपीज सेवेंटीन इज पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज सिक्स हंड्रेड ट्वेल्व फाइन द साइड ऑफ द फील्ड सबसे पहले तो इन्होंने लिखा कि अगर हम स्क्वायर फील्ड को कल्टीवेट करते हैं तो सेवनटीन पर स्क्वायर मीटर है अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हमें एरिया लेना है पेरीमीटर लेना है तो प्लीज चेक द रेट यहाँ स्क्वायर मीटर है मीन्स की ये क्या होगा एरिया तो ठीक है तो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं टोटल कॉस्ट क्या है सिक्स वन टू एंड वन स्क्वायर की क्या है सेवनटीन डिवाइड किया ठीक है सेवनटीन थ्री जा फिफ्टी वन ठीक है बचेगा क्या टेन और सेवनटीन सिक्स जा वन हंड्रेड टू ठीक है तो थर्टी सिक्स आया एरिया अगर थर्टी सिक्स एरिया है तो ये फील्ड क्या थी हमारी स्क्वायर uh, फील्ड थी ठीक है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड ठीक है मीन्स की अगर ये एक्स इंटू एक्स था और ये एरिया थर्टी सिक्स आया तो थर्टी सिक्स कैन बी रिटर्न एक्स की वैल्यू क्या हो गया सिक्स मीटर तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस रोहन सेव टू थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी फ्रॉम हिज पॉकेट मनी इन सर्टेन ईयर वट इज द रोमन नंबर फॉर दिस से रोहन सेव टू थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी फ्रॉम हिस पॉकेट मनी इन सर्टन इज द रोमन रोमन हम लिख सकते हैं टू थाउजेंड प्लस एट हंड्रेड प्लस थाउजेंड को हम लिखते हैं एम तो ये हो जाएगा टू टाइम एन एट हंड्रेड क्या होगा एट हंड्रेड कैन बी रिटर्न प्लस थ्री हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड इज रिप्रेजेंटेड बाई डी तो यहाँ होगा डी

विड्रॉ करना मीन्स माइनस डिपॉजिट करना मीन्स प्लस एंड देन विद्रॉज अनदर रुपीज सिक्सटी नाइन उसने अगेन विद्रॉ किया फाइंड द अमाउंट लेफ्ट इन हिज अकाउंट तो सिंपल है जो डिपॉजिट होगा उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे मीन्स पहले से उसके पास क्या था 125 तो मीन्स कि 125 को हम पॉजिटिव साइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे 125 ट्वेंटी देन उसने विड्रॉ किया 117 वन देन उसने डिपॉजिट किया 45 फाइव देन उसने विड्रॉ किया माइनस सिक्सटी तो माइनस वाले को एक साथ और पॉजिटिव वाले को एक साथ करते हैं तो 5 प्लस फाइव से क्या आएगा जीरो फोर प्लस टू से क्या आएगा सिक्स और पहले वाले की कैरी क्या हो जाएगी सेवन और यहाँ वन वन सेवनटी माइनस अब इन दोनों को सम करते हैं तो सेवन प्लस नाइन क्या होगा सिक्सटीन की सिक्स पावर आई वन सेवन प्लस वन क्या होगा एट एंड वन नाउ अब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो यू कैन सी वन एट्टी सिक्स में से वन सेवेंटी जाएगा तो क्या बचेगा सिक्सटीन बट माइनस दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस तो इसका साइन आएगा माइनस तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस कंपनी एक्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ लैपटॉप दैट इज पी एंड क्यू टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ लैपटॉप इन अ सर्टेन ईयर इज दिस वन इफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पी टाइप लैपटॉप इज दिस देन फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ क्यू तो जस्ट डिफरेंस टेक द डिफरेंस तो टोटल प्रोडक्शन क्या थी एट सेवन फाइव सिक्स सेवन सेवन ठीक है नाउ प्रोडक्शन ऑफ पी क्या है थ्री थ्री सेवन फाइव

फिफ्टी टू पॉइंट नाइन एट ईच थ्री पॉकेट्स ऑफ चिप्स फॉर रुपी ट्वेल्व पॉइंट नाइन एट इच एंड टू बुक्स फॉर थ्री हंड्रेड पॉइंट जीरो फाइव ईच हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हर तो सबसे पहले तो हम सबकी कॉस्ट निकाल लेते हैं चॉकलेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी फिफ्टी टू पॉइंट नाइन एट टू बॉक्स थे तो टू से मल्टीप्लाई किया टू एट जिक्सटीन के सिक्स पावर आई वन टू नाइन जै एटीन प्लस वन नाइनटीन की नाइन टू टू जै फोर प्लस वन क्या होगा फाइव टू फाइव जै टेन डेसीमल पॉइंट दो के बाद मीन्स की यहाँ आएगा ठीक नाउ चिप्स की कॉस्ट क्या है चिप्स जो है वो है ट्वेल्व पॉइंट नाइन एट और पैकेट्स कितने हैं थ्री तो हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा थ्री एट जै फोर थ्री एट जेट ट्वेंटी फोर की फोर पावर आई टू थ्री नाइन जेट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस टू ट्वेंटी नाइन की नाइन पावर आई टू थ्री टू जै सिक्स सिक्स प्लस टू क्या होगा एट एंड यहाँ आएगा थ्री डेसिमल कहाँ आएगा यहाँ पर ठीक नाव अब हमें बुक की कॉस्ट चाहिए टू बुक्स हैं एंड वन बुक की कॉस्ट क्या है थ्री हंड्रेड पॉइंट जीरो फाइव मल्टीप्लाइड विद टू तो थ्री फाइव जेट टेन यहाँ आएगा जीरो जीरो सिक्स ना सबको हम ऐड करते हैं ये क्या है फाइव पॉइंट नाइन सिक्स ये है थर्टी नाइन फोर ऐड करते हैं ट्वेंटी की जीरो पावर आई टू टू प्लस फाइव सेवन सेवन प्लस एट फिफ्टीन की फाइव पावर आई वन वन प्लस थ्री फोर सिक्स प्लस वन सेवन मीन्स की सेवन हंड्रेड फोर्टी फाइव टोटल हुआ उसने एक्सपेंड किया तो हाउ मच लेफ्ट पहले उसके पास पैसे कितने थे फाइव थाउजेंड नौ सेवन फोर्टी फाइव को हमने माइनस किया तो टेंथ से फाइव गया फाइव नाइन से फोर गया फाइव नाइन से सेवन गया टू और यहाँ आएगा फोर मीन्स विच इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस अगर आपको लगता है कोई चेंज है तो प्लीज डाउन इन कमेंट सेक्शनिक टीचर आस्ट हर टू राउंड ऑफ वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी एट थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी एंड फोर थाउजेंड वन हंड्रेड फाइव टू दियरेस्ट टेंस आफ्टर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स द एस्टिमेट सम तो सबसे पहले हमें राउंड ऑफ करना है अगर हम वन टू फोर एट को करते हैं टेंथ की पोजिशन पर मीन्स दिस वन तो एट को कंपेयर करेंगे फाइव से तो एट इज ग्रेटर दैन फाइव मीन्स की दिस वैल्यू इज वन टू फाइव ज़ीरो एंड थ्री वन टू सेवन में सेवन को हम करेंगे कंपेयर फाइव से तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर दैन फाइव तो ये हो जाएगा थ्री वन थ्री जीरो नौ लास्ट नंबर क्या है हमारा फोर वन जीरो फाइव इसको भी अगर हम कंपेयर करें तो फाइव इज इक्वल टू मीन दिस इज कंसिडर फोर वन वन जीरो नौ इन तीनों को ऐड करें तो जीरो 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 सबसे पहले तो आएगा जीरो नौ वन प्लस फाइव सिक्स सिक्स प्लस थ्री क्या आएगा नाइन और वन टू वन से क्या हो जाएगा फोर फोर वन थ्री से क्या हो जाएगा एट मीन्स की एटी फोर uh, आना चाहिए मीन्स की नन ऑफ दिस नाउ अचीवर सेक्शन स्टार्ट करते हैं कॉलम मैच करना है फर्स्ट क्वेश्चन में number. Number में द द सम ऑफ ऑफ प्लेस वैल्यू डिजिट एंड इन नंबर नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है फाइव जीरो 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 बिकॉज इसके पीछे तीन डिजिट हैं एंड एट की क्या है एट जीरो जीरो मीन्स क्या हो गया फाइव एट जीरो जीरो मीन्स की ये मैच होगा विद दिस एंड एट हंड्रेड मोर देन द स्मॉलेस्ट फोर्थ डिजिट इवन नंबर इज स्मॉलेस्ट फोर डिजिट इवेंट नंबर क्या होता है वन जीरो 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 और इसमें अगर हम एट हंड्रेड एक्स्ट्रा ऐड करें तो इट बिकम्स एटीन हंड्रेड ठीक है तो ऑप्शन ये हो गया तो ऑब्वियसली इसके साथ ही ये जाएगा के साथ जाएगा हमारा थ्री क्यू के साथ हमारा वन एंड आर के साथ टू चलो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस अब लास्ट वाला भी देख ही सकते हैं आप हैविंग ऑल डिटिट सच एज दैट थ्री इज एट प्लेस तो नाउ यू कैन सी दिस इज द नंबर रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वन फोर्थ ऑफ अ रेवोल्यूशन इज द राइट एंगल रेवोल्यूशन का मीन्स होता है दिस वन एंड वन फोर्थ ऑफ दिस क्या होता है फोर पार्ट एंड दिस इज द राइट एंगल तो दिस इज ट्रू नाउ ए पर्सन इज फेसिंग टू नॉर्थ करते हैं इसको दिस इज नॉर्थ साउथ ये कहाँ है इसकी फेसिंग इस साइड को नॉर्थ ही टर्स क्लॉक टू फेस द साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट क्या होगा दिस वन बिकॉज ये ये वेस्ट है और साउथ है ठीक है तो नाउ हम इसके क्या करते हैं एट पार्टीशन ठीक है अब वो नॉर्थ में है उसको साउथ वेस्ट आना है तो सो ही टर्न फाइव बाई एट ऑफ द रेवोल्यूशन एट पार्ट्स हो गए तो डिनोमिनेटर में तो एट आएगा नाव साउथ वेस्ट मीन्स की दिस टाइप कितने रोटेशन में वन कितने पार्ट्स में वन टू थ्री फोर फाइव मीन्स फाइव बोथ इज ट्रू मीन्स ऑप्शन C is correct for this. Both statement वन and टू are true. दज़ the value of fifty seven point two nine five plus one hundred eight point two eight zero minus this is P. तो so, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले हम सब्ट्रैक्शन वाला कर लेते हैं वो ज़्यादा ईजी होगा वो क्या है One zero eight point two eight zero से हमें क्या माइनस करना है Thirty three point nine one two सब्ट्रैक्ट करते हैं Ten से two जाएगा Eight seven से one जाएगा सिक्स टू से नाइन जाएगा नहीं बोरो करेगा ट्वेल्व से नाइन जाएगा थ्री सेवन से थ्री जाएगा फोर बिकॉज उसने बोरो दे दी थी टेन से थ्री जाएगा सेवन ना इसको ऐड कर देते हैं फाइव सेवन पॉइंट टू नाइन फाइव के साथ तो एट प्लस फाइव थर्टीन की थ्री पावर आई वन नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन की सिक्स पावर आई वन वन प्लस थ्री फोर फोर प्लस टू सिक्स डॉट हो गया ठीक है फोर प्लस सेवन क्या हो जाएगा

5/100 को लिखेंगे 0.05 नाउ एट दिस नंबर तो 55.55 ऑप्शन .55. देखते हैं हम हाँ तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा बिकॉज़ हमने ऑब्जर्व किया था आइदर ए और सी तो हमारा सी के साथ दूसरा ऑप्शन भी मैच कर गया आप चाहो तो थर्ड निकाल सकते हो अदरवाइज छोड़ सकते हो कर लेते हैं दशमी परचेस अ चॉकलेट फॉर रुपी ट्वेल्व फिफ्टी पेस्ट्री ऑफ फाइव पॉइंट सेवन फाइव एंड दिस टोटल जस्ट एट नंबर पहले क्या है ट्वेल्व जीरो पास न, न, क्या है चॉकलेट का हो गया पेस्ट्री है फाइव पॉइंट सेवन फाइव की एंड उसके बाद चिप्स जो है वो एट पॉइंट थ्री एट का है ऐड करते हैं फाइव प्लस एट क्या हो जाएगा थर्टीन की थ्री पावर आई वन सिक्स प्लस सेवन क्या होगा थर्टीन थर्टीन प्लसटीन की सिक्स पावर आई वन टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस फाइव एट एट प्लस एट सिक्सटीन के सिक्स पावर आई वन ठीक है तो ये हमारे सारे ऑप्शन मैच कर गया फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है आंसर द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अ पाथ आउटसाइड ऑफ अ विथ फिफ्टी सेंटीमीटर इज मेड अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन ट्वेल्व मीटर एंड एट मीटर फाइन द एरिया ऑफ पाथ बेसिकली इन्होंने क्या कहा एक ये रेक्टेंगल है ठीक है इसकी जो डायमेंशन है ट्वेल्व मीटर लॉन्ग एट मीटर विथ इसके चारों साइड एक पाथ बना ठीक है ये जो पाथ है इसकी चौड़ाई क्या है फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो नाउ अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया देन आउटसाइड का देन से ट्रैक्ट करेंगे अब अगर फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसकी विर्थ है तो फाइनल विर्थ क्या हो जाएगी ट्वेल्व प्लस पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव ठीक है एंड यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये एट प्लस पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव इज इक्वल टू हो जाएगी नाइन ठीक है तो नाउ अब इसका एरिया क्या हो जाएगा ट्वेल्व इंटू एट Is equal to 96. 96 तो हमें मिल गई पार्क की ठीक है ना फील्ड की नाइनटी सिक्स इज द एरिया ऑफ फील्ड एंड आउटसाइड क्या हो जाएगा इन टू नाइन टू वन सेवन नाउ वट इज द डिफरेंस इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा सिक्स गया वन इलेवन से नाइन गया टू ट्वेंटी वन स्क्वायर मीटर मीन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सेकेंड पार्ट देखते हैं आप सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है अ वायर ऑफ लेंथ 68 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू टू द फॉर्मर स्क्वायर अगर हमारे पास 68 सेंटीमीटर का एक वायर है उसको बेंट करके एक स्क्वायर बना दिया फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर सो फॉर्म्ड ठीक है तो अब इसमें सबसे पहले अगर ये लेंथ थी मीन्स की दिस इज द पैरामीटर क्योंकि हमने इससे स्क्वायर बनाया तो हम इसकी साइड निकाल लेते हैं साइड क्या हो जाएगी सिक्सटी डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू वन

एस दैन क्यू तो हम दोनों के काउंट निकाल लेते हैं एस का काउंट वन टू थ्री फोर फाइव है मीन्स की फाइव इन टू फोर बिकॉज दिस सिंबल बिकॉज वन दिस सिंबल इज इक्वल टू फोर तो यहाँ क्या हो गया एस के ट्वेंटी शॉप क्यू शॉप में देखते हैं वन टू एंड हाफ मीन्स की फोर प्लस फोर प्लस टू टेन ठीक है तो यहाँ से हमें ट्वेंटी मिला क्योंकि हमें टेन मिली तो डिफरेंस टेन तो आइदर डी ऑप्शन और बी ऑप्शन ठीक है दूसरा पार्ट करते हैं फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई शॉप पी एंड आर टूगेदर टू द टोटल नंबर तो सबसे पहले हमें टोटल चाहिए होंगे वन टू थ्री फोर है तो फोर इंटू फोर क्या हो गया सिक्सटीन करेक्ट लिखा है वन वन एंड हाफ मीन्स की टू पॉइंट फोर इन फोर इज

अब यहाँ क्या हो जाएगा वन प्लस वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन सेवेंटी सिक्स तो टोटल लैपटॉप हो गया सेवनटी सिक्स एंड दूसरा ऑप्शन क्या था इसका फ्रैक्शन कितना पी एंड आर टूगेदर है ना पी एंड आर तो पी की वैल्यू क्या है सिक्सटीन इसको हम इेज करते हैं P की वैल्यू है सिक्सटीन एंड आर की वैल्यू है एट्टीन तो दोनों को हमने ऐड किया तो सिक्स प्लस एट फोर्टीन की फोर पावर आई वन थर्टी फोर नाउ अब हमें फ्रैक्शन लेना है तो थर्टी फोर डिवाइडेड बाई सेवेंटी सिक्स इज इक्वल टू यहाँ जाएगा वन सेवन यहाँ टू से डिवाइड किया तो थ्री एट मीन्स की टेन एंड सेवनटीन बाई थर्टी एट बी इज द राइट ऑप्शन अगेन आई एम से दिस इज माई सोल्यूशन अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन पिक्चर वॉज नॉट क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में उनके वैल्यूज लिख देंगे तो आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन यहाँ क्वेश्चन में अगर गलती है तो भी आप लिख सकते हो थैंक यू फॉर योर सजेशन एंड फॉर वॉचिंग थैंक यू